हेलो एवरीवन, इस कोर्स में हम ECMAScript के बारे में समझेंगे। ये 100% प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, तो हम इस कोर्स में कवर करने जा रहे हैं लेट, कॉन्स्टेंट्स, डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग्स, और इसके साथ साथ हम कुछ इसकी एडवांस चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे फंक्शंस, एरेज, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस। और इन सब चीज़ों को कवर करते हुए हम आएंगे प्रोमिसेस और मैप्स पर। आइए अब हम आपको ECMAScript कोर्स पर बेस्ड वीडियो का एक छोटा सा सैंपल दिखाते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि ECMAScript टोटली जावास्क्रिप्ट पर बेस्ड है, तो हम कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के द्वारा ही ECMAScript तैयार की गई। इसका उपयोग क्लाइंट साइड पर भी किया जाता है और सर्वर साइड पर भी, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको पहले से ही ये बातें पता होंगी। तो इस पर टाइम ना खराब करते हुए आइए अब चलते हैं हम ECMAScript पर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट लिखी हैं, ये बेसिक अभी HTML फाइल है। और अगर आप राइट साइड में देखें तो यहाँ पर गूगल क्रोम खुला हुआ है, और हमने इस फाइल को अभी सेव किया है ECMAScript.html फाइल से। और आप जिस फाइल से इसे सेव करना चाहें उस फाइल से अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, लेकिन आपको बस इसे इस स्क्रिप्ट फाइल से यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। तो उससे पहले आइए बात करते हैं वेयर की। तो उसके लिए आइए यहाँ पर इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इफ़ द वैल्यू इज़ ट्रू देन वेयर एक्स इज इक्वल टू 10 देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स प्लस पी आर बैक स्लैश एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्स एंड देन पी आर। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमने वैल्यू यहाँ पर ली है 10, तो अब आउटपुट आ रहा है यहाँ पर 10। तो हमने जो वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया है वो ग्लोबल वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर दोनों चीज़ों के लिए वैल्यू आ रही है 10। आइए आपको अब एक और चीज़ से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है लेट। आइए देखते हैं कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो जब हम अब लेट वैल्यू यहाँ पर स्टोर करते हैं तो हमने दिया है लेट x इज इक्वल टू 10। तो अब आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं, ये अब चेंज हो चुका है और ये केवल एक बार ही x की वैल्यू 10 प्रिंट कर रहा है। और अगर आप यहाँ नीचे की तरफ देखें तो आपको x के लिए एक एरर मिल रही है जो है अनडिफाइंड एरर। तो ये एरर यहाँ पर इस चीज़ के लिए है। तो ये वो बेसिक आइडिया है जो हम लेट के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको अब कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा कि हम यहाँ पर अब ग्लोबल और नॉन ग्लोबल वेरिएबल्स दोनों तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लगभग इस ट्यूटोरियल के लिए लेट को यूज़ करेंगे, जिससे कि हम वेरिएबल्स पर कंट्रोल कर सकें और उनकी वैल्यूज़ को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिंट कर सकें और यूज़ कर सकें।